तो कैसे हो आप सब? वेलकम है आप सबका फेक फ्रेंड्स की एक और नई पार्ट में। तो अब तक हमने देखा कि शिरीन अपनी बेंच पर किसी और लड़की को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बेंच से धक्का दे देती है, और वो लड़की शिरीन से बदला लेने के लिए अब क्या करेगी हम देखेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शिरीन अगले दिन स्कूल जाती है। किरण उसे घूर घूर के देख रही होती है, लेकिन शिरीन को क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी धुन में मस्त होती है। किरण कहती है, मुझे शिरीन को हंसते देख न जाने दिल में बहुत दर्द सा हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी इसे, वो भी जल्द करना होगा। उस दिन इसने मुझे गिराया था तो कितने लोग हंस रहे थे मुझ पे, अब इस पे हंसेंगे ना तब इसे पता चलेगा कैसा लगता है। तो कामिनी कहती है, अरे कामिनी वो जिसके बगल में किरण बैठी थी उस दिन, जिस दिन शिरीन ने उसे धक्का दे दिया तब नीचे तो बैठेगी नहीं वो, तो वो बैठी थी कामिनी के बगल में। तो अभी कामिनी कहती है, अरे लेकिन तुम्हें उससे बदला लेना ही क्यों है, मैं तो कल से बता रही हूँ, खुद भी फंसोगी और मुझे भी फंसाओगी। तो किरण कामिनी से कहती है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है या नहीं? तो कामिनी कहती है, हाँ करनी है पर। तो किरण उसे बीच में काटते हुए कहती, तुम्हें तो कहा था ना कि इस शिरीन ने तुम्हें उस दिन मारा था, तो तुम्हें मारना नहीं है क्या उसे? तो यहाँ पे करती है किरण अपना दिमाग का इस्तेमाल, अपना मतलब निकालने के, और वो ऐसा कुछ बोल देती है जिससे कामिनी का हो जाता है ईगो हर्ट। तो वो कहती है, प्लान क्या है? तो किरण कामिनी से कहती है, ये हुई ना बात, अब तुम देखना सब इससे डरते हैं ना, हम दोनों मिलके इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। लेकिन कामिनी को हो रही होती है अभी भी टेंशन। अबे टेंशन होनी ही चाहिए, अपनी शिरीन है ही ऐसी, उसे डरना तो चाहिए ही चाहिए। तो होती है उसे टेंशन। तो कहती है, हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन हम करेंगे क्या? तो किरण कहती है, हम एक काम करें, इसके दोस्त बन के इसको धोखा दे क्या, क्योंकि मैंने सुना है कई बार कि दोस्ती इसकी कमजोरी है, तो बदला लेने के लिए तो हम कमजोरी का ही इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या कहती हो? यार ये नहीं करना चाहिए यार, मतलब बंदे की अगर कमजोरी है तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए यार, मेरा तो ये मानना है। अब इमोशंस का झोल होता है लोगों का, अब सीधी सी बात है दोस्ती निभानी नहीं आती तो करना भी क्यों है भाई, क्यों करना है? नहीं मतलब ये क्या है, मतलब दोस्ती निभानी नहीं बीच में छोड़ देनी है तो करनी क्यों है दोस्ती भाई, करो ही मत, सामने वाले का थोड़ा ख्याल तो करा करो, उसको कैसा लगेगा, मत करो ऐसा। तो कामिनी इस पर कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, देखो आइडिया अच्छा है मतलब, लेकिन इतना सब होने के बाद मुझे नहीं लगता कि शिरीन हमें भाव भी देगी, कोई एक दोस्त हो है नहीं इसकी, पता नहीं फिर भी अकड़ कितने की इसमें। देखो कामिनी के इरादे कुछ भी हो लेकिन मुझे इस लड़की की एक बात बड़ी अच्छी लगी है यार, अक्कड़ विक्कड़ सब कुछ निकाल दी इसने शिरीन की, लेकिन इमोशंस को बेटर नहीं करने दिए, मतलब इमोशंस की कदर करनी चाहिए यार, करो करो, हाय मत लगने दो लोगों की, होता है अक्सर ऐसा, हमारी आधी जिंदगी तो लोगों की हाय खाते खाते ही निकल जाती है, अब सोचो उस पे जरा। तो किरण कहती है, हाँ वो भी है, देखो ना कल ही हमारा झगड़ा हुआ, कोई दूसरा होता तो कम से कम मुझे 2-3 दिन गुस्से से देखता, लेकिन ये लड़की एक नजर देख भी नहीं रही है, ऐसा क्या है इसमें, समझती क्या है अपने आप? तो कामिनी कहती है, वो क्या समझती है वो छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम करें क्या, पता नहीं इस लड़की को क्या है इतनी जल्दी यार, बदला उसका है सब कुछ उसने किया, धक्का उसने दिया, गिरी ये, इसको क्या इतनी जल्दी है बे। तो किरण कहती है, रुको मैं कुछ सोचती हूँ। कुछ देर बाद किरण चीख के बोलती है, मिल गया आइडिया। तो कामिनी पूछती है, क्या? तो किरण कहती है, रुको बताती हूँ, और किरण कान में बताती है कामिनी के, अबे हमें थोड़ी बताएगी यार, वो तो प्लान करने के बाद मूवी में दिखा जाता है, वैसे यहाँ पे दिखेगा तो कैसे पता चलेगा, मतलब अभी देखेंगे आगे क्या प्लान किया है इन्होंने, पता नहीं अभी लड़कियाँ क्या लोचा करने वाली है। तो कामिनी हमारी और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए कहती है, वाह किरण ये तो एकदम टिप टॉप प्लान है। किरण कहती है ना एकदम टिट फॉर टैट। अगले दिन कामिनी और किरण बोर हो जाती है राह देखते देखते हमारी शिरीन की, पर हमारी शिरीन की आती नहीं है जल्दी। तो किरण अनोइंग फेस बनाती हुई कहती है, अरे यार ये लड़की आज आएगी या नहीं? और कामिनी उससे भी अनोइंग होकर कहती है, पता नहीं यार, देख लो इन लड़कियों को, अपने दोस्तों की इतनी राह नहीं देखी होगी जितने अपने दुश्मन की देख रहे, लेकिन ऐसा होता है। तो किरण कहती है, रोज तो इसी टाइम पे आती है ना, देख लो इस मैडम को, इन्हें तो टाइम भी पता है हमारी शिरीन का, अब ये कौन सी दुश्मनी है भाई, हमारी शिरीन है ही ऐसी, उसके आने जाने का वक्त लोगों को पता ही होता है, अभी है ना अभी सेलिब्रिटी टाइप तो होना ही था थोड़ा, है ना ऐसा होता है। और कामिनी पता नहीं सुबह सुबह कौन सा हिमालय चढ़ के आती है, इसलिए वो इतना ही कहती। हाँ कभी कभी हमें लगता है कि हम इन कहानियों के किरदार से ज्यादा तो हम बोलते हैं भाई, नहीं मतलब हमको कभी ऐसा लगता है कि इन कहानियों के किरदारों से ज्यादा अच्छे हम हैं।
मतलब समझ रहे हो। तो किरण कहती है, ओए कहीं ये छुट्टी तो नहीं लेने वाली। तो कामिनी कहती है, हो सकता है अभी यहाँ पे भी इनको आलसी बनने। अरे क्या किया था सुबह सुबह, धरती का बोझ लेके घूम रही थी क्या ये शिरीन की इतनी राह देख रहे, ये कुछ बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन किरण से तो बहुत बोला जा रहा है भाई। तो वो कहती है, लगता है आज इसने सच में छुट्टी ले ली, इसको सबर नहीं था क्या, बदले के बाद छुट्टी ले लेती तो क्या हो जाता, पर नहीं हमें तो डूबने से पहले सारा संसार घूम के आना है। तो हमारी महासंस्कारी कामिनी कहती है, मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ, छोड़ दो ये बदला बदला, मुझे तो लग रहा है कि आज शिरीन नहीं आई ये भगवान का दिया संदेशा है, हमें इसे भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए। देखो कितनी सुशील है ना कामिनी, हाय कामिनी माता के तो पैर छूने चाहिए। लेकिन हमारी किरण इस सुशीलता के दूर दूर तक मूड में नहीं होती है। तो भड़क के कहती है, अरे भाड़ में गए वो प्रसाद, मुझे किसी भी हालत में वो शिरीन से बदला लेना है, मतलब लेना ही है, चाहे वो आज लू या कल लू। तो क्या लगता है आपको, क्या प्लान बनाया होगा इस किरण ने शिरीन से बदला लेने के लिए, टिट फॉर टैट का मतलब क्या है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए फेक फ्रेंड्स। तो इसी के साथ होता है हमारे इस पार्ट का डी एंड, जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ एक नए पार्ट के साथ। तो मिलते हैं तब तक के लिए, अलविदा।